नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको शाम होने के बाद कुछ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूर होती है, आपके यहाँ बहुत बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के नित्य कर्मों को कैसे निभाएँ और क्या सावधानी रखें ये साफ साफ बताया गया है। हम किन चीज़ों से अपने भाग्य को जगा सकते हैं और किन चीज़ों से सावधानी रखकर बुरे नसीब से बचा जा सकता है, और आपने ऐसी ही कई बातें सुनी होंगी जो शास्त्रों पर आधारित है कि शाम ढलने के बाद कुछ चीज़ों को सोने से, कुछ चीज़ों को छूने से बहुत बुरा होता है और कहा जाता है कि इन्हें छूने से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शाम के बाद नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो आपको लाइक करने में क्या परेशानी है, आप उसको लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय में भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। शाम के समय आरती के बाद तुलसी जी विश्राम कर रही होती हैं, ऐसे में संध्या आरती के बाद स्पर्श करने से इनके आराम में बाधा आती है, जो सुख संपत्ति पर विपरीत असर डालने का काम करती है। यही कारण है कि संध्या के बाद ताली बजाकर तुलसी को जगाने और फिर पत्ते तोड़ने का विधान है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। झाड़ू को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह गंदगी रूपी अलक्ष्मी को घर के बाहर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू का प्रयोग शाम ढलने के बाद नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है और आराम करती हुई लक्ष्मी को आप नाराज कर सकती हैं। शंख बजाने से देवता और धरती के अंदर मौजूद जीव भी जागृत हो जाते हैं, इसलिए दिन के समय पूजा में शंख बजाने का विधान है। शाम ढलने के बाद धरती के अंदर मौजूद जीव सो जाते हैं, शंख बजाने से उन्हें कष्ट होता है, देवताओं के आराम में भी बाधा आती है, इसलिए शाम के बाद शंख नहीं बजाने का विधान है। इसलिए कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद शंख का स्पर्श नहीं करना चाहिए। केले के पेड़ को शास्त्रों में भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसी वजह से केले के पेड़ की पूजा गुरुवार को की जाती है। शाम के बाद भगवान के शयन का वक्त होता है, इसलिए अगर शाम के बाद केले के पेड़ को छूते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान की निंद्रा में व्यवधान उत्पन्न होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ईशान कोण की दिशा में केले का पेड़ लगाया जाना शुभ बताया गया है। केले का पौधा वैसे वास्तु के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ केले के पेड़ को भी पूजा जाता है। वास्तु के अनुसार भी यह पेड़ घर में सुख शांति प्रदान करता है। पीपल के पेड़ को शनिवार के अलावा किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए, विशेष करके सोमवार के दिन और शाम ढलने के बाद तो इसे बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पीपल पर अलक्ष्मी का वास होता है। पीपल का वृक्ष वैराग्य लेकर आता है, इसलिए यह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में पीपल का पेड़ होता है वहाँ दंपति के वैवाहिक जीवन में कई समस्याएँ आती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए।